इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज। कालापत्थर पुलिस स्टेशन को मयूर लॉज में एक रेव पार्टी की जानकारी मिली, जिस पर एक्शन लेते हुए कल रात श्री रवि और उनकी टीम ने मयूर लॉज अपोजिट जू पार्क पर रेड किया और पार्टी में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 लड़कियों को आज़ाद कराया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। इस पार्टी को जूस सेंटर ओनर अब्दुल खुद्दूस ने बर्थडे के मौके पर मयूर लॉज में अब्दुल समी की मदद से रेव पार्टी का इंतज़ाम किया था। इस पार्टी में डांस का प्रोग्राम रखा गया था और इसके साथ साथ शराब और हुक्के का भी इंतज़ाम था। पुलिस के मुताबिक हैप्पी होम अट्टापुर के रहने वाली रूही नामी औरत ने कुछ रुपयों के खातिर इन लड़कियों का इंगेज कराया करती थी। इलाफ मीडिया से अब्दुल फहीम की रिपोर्ट। लास्ट नाइट मिडनाइट में मुजरा पार्टी चल रहा बोल के एक इंफॉर्मेशन आ गई और जो पार्क अपोजिट एक लॉज है और लॉज में मुजरा पार्टी चल रहा बोल के कन्फर्म पक्का इंफॉर्मेशन आ गई। वो इंफॉर्मेशन में हम एस आई और स्टाफ को रेड करे, रेड करके रेड हंड्रेड में 3 बच्ची और 6 बच्चा पूरा 9 आदमी की पकड़ गए। और 3 बच्ची में 2 माइनर है, 16 इयर्स का गर्ल और 17 इयर्स का गर्ल। वो तीनों बच्ची डांस करने के लिए आए, एक्चुअली वो 6 बच्चों में एक समी बोल के बच्चों का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा रेव पार्टी अरेंज करें। वो पार्टी की उन्होंने फ्रेंड्स को पूरा बुलाए, 6 आदमी की बुला के वो सिस्टम साउंड सिस्टम लगाए और हुक्का लगाए और साथ वाइन वाटर पूरा लगा के वो डांस कर रहे। वो साउंड आ रहा हमारा आया इमेट, वो इन्फॉर्मेशन में राइट मारे तो वो लोगों मिले। उसमें क्या है, वो इंक्वायरी में हमारे को मालूम क्या हुआ, एक बच्ची समीरा एक माइनर गर्ल को वो सेक्सुअली असल्ट हुआ बोल के हमको इंक्वायरी में मालूम हुआ। ये बच्चा कुद्दूस बोल के बच्ची की लेके ऐसा फोर्सिबली सेक्स करे, इसी के लिए वो इमीडिएट वो केस 376 रेप केस निर्भया केस अट्रैक्ट हो रहा। साथ पोक्सो एक्ट और ये कोप्टा एक्ट, ये हुक्का अरेंज करने के लिए कोप्टा एक्ट भी हुआ। और एक रूही बोल के एक लेडी, ये बच्ची की एक्चुअली बच्ची का मदर दूसरा शादी करके छोड़ दिए, बच्ची की फादर भी नहीं है कदे। वो ऐसा एडवांटेज में लेके बच्ची की शेल्टर दिया, शेल्टर दे तो ऐसा पार्टी की और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बच्ची की इधर उधर पार्टी की बेच रहे। ऐसा कल बच्ची इधर आ गए, बच्ची इंक्वायरी में पूरा बोल दिया। वो रोहित की भी ऊपर भी केस रजिस्टर हो रहा, वो सेक्शन 370 प्रोक्रिएशन ऑफ माइनर गर्ल फॉर द इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो केस में उनका ऊपर रोहित के ऊपर भी केस रजिस्टर हो रहा। और लॉजिंग का ओनर्स उसमें उनका मैनेजर भी उनका बच्चा बेटा है और उनका और एक बेटा मेन ओनर को नहीं, उनको भी पूरा इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ जफर पहलवान बोल के उन पहलवान है, उनका ओनर है, उन्होंने ओरिजिनल ओनर होना है इसी अभी तक हमारा भी मालूम नहीं। उनका नाम बड़ा बेटा का नाम पे है, मगर इंक्वायरी करे तो उनका नाम आ गए। इतना सपोर्ट करके उन्होंने भरोसे में कर रहे, उनके इमीडिएट एक्शन ले रहे, एज पर लॉ हम क्वेश्चन कर रहे, पूरा लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा।